चलिए अब मैं एक और सरप्राइजिंग सा फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करिए। आप ये निकालिए कि 18 ग्राम पानी में, जो कि नॉर्मली एक बड़े कोल्ड कॉफी का होता है, 18 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। नेट चार्ज उसमें जीरो है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें नेट चार्ज है, लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है और कितने प्रोटॉन्स का चार्ज है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, 18 ग्राम वाटर हैज हाउ मच नेगेटिव एंड हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो है ये आपको पता होगा कि 18 ग्राम क्या होता है, 18 ग्राम तो इसका मोलर मास होता है पानी का, ठीक है। तो 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आप पता कर लीजिए। एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में, हाइड्रोजन में एक होगा और यहां पे हाइड्रोजन में एक होगा, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इंटू 10 आयोजन में, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.3 × 10^24 दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब है तो इतने इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितना है, ये तो बस एक नंबर है, टोटल चार्ज होगा दिस इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो इसको मैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो चार्ज को मैं जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, तो चार्ज को हम लोग जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्यू वन क्यू टू लाइक दैट, हम लोग चार्ज को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक हम मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो रफली मैं बता देता हूं, 9.6 × 10^5, ओके, इतना कूलम्ब है। तो 18 ग्राम पानी में इतना कूलम्ब नेगेटिव चार्ज है और इतने ही कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जीरो है। है तो इतना चार्ज, लेकिन इतना चार्ज आप नेट नेट नहीं बना सकते इजीली, ठीक है। तो ये एक सरप्राइजिंग सा फैक्ट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ह्यूज, यू कैन हैव दिस मच कूलम इन जस्ट 18 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। लेकिन वन कूलम बनाने में जो है बहुत दिक्कतें आती हैं, वन कूलम चार्ज आप अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं देख पाएंगे, ओके। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इटसेल्फ। चार्ज क्या करेगा, जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा फटाफट अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा और वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर देगा उस चीज में, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हैंडल करना एक आइसोलेटेड चार्ज को। अब हमने चार्जेस के बारे में बात तो कर ली है और चार्जेस की प्रॉपर्टी भी जान ली है, लेकिन भाई चार्ज अब हम लाएंगे कहां से, अगर इतना डिफिकल्ट है तो हम जनरेट कैसे करें। तो फॉर्मल तरीके से अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो चार्जिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप चार्जिंग की डेफिनेशन लिख लीजिए। जब भी मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूं आप पॉज लेके आप अपने रजिस्टर में नोट बनाते रहिए, ठीक है। चार्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेट चार्ज, ओके। तो अब हम चार्जिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। चार्जिंग का अगर हम देखें तो तीन तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरह से बना लीजिए अपनी नोटबुक में,
चार्जिंग आप कर सकते हैं फ्रिक्शन से, हमने ढेर सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए ऑलरेडी फ्रिक्शन के ऊपर, इंडक्शन और कंडक्शन। ठीक है, तो ये तीन तरीके से चार्जिंग होती है। ऑलराइट, अब हम इसको वन बाय वन थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम जाएंगे। ओके, फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है, हमने बात की स्केल की अपने बालों में रब करने की, राइट, तो वो एक चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। ओके, बट उसके बाद जब हम लिफ्ट करते हैं पेपर्स को, राइट, तब पेपर्स न्यूट्रल होते हैं, तो पेपर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है एक चार्ज ऑब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये स्केल है, ठीक है, आप समझ लीजिए स्केल पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए रगड़ खाने की वजह से आपके सर पे, ठीक है, अब ये आप एक पीस ऑफ पेपर इसके पास लेके आए तो ये इसको अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, पेपर तो न्यूट्रल है तो पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर ले रहा है, हो क्या रहा है यहां पे मेरे दोस्त कि ये जो नेगेटिव है ना ये क्या कर रहा है यहां पे, इस ये अल्टीमेटली है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही, राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पेपर के अंदर वो रिपल होके थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और नेट नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जो कि नेगेटिव के पास है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये नेगेटिव से ज्यादा करीब है और ये नेगेटिव जो है इस नेगेटिव से बहुत दूर में है, तो नेट नेट क्या होगा अट्रैक्शन होगा, आयोजन में, तो इसलिए जो है पेपर पीसेस इवन दो दे आर न्यूट्रल दे गेट अट्रैक्टेड, राइट। अब ये जो हुआ है ना रीअरेंजमेंट इसको हम इंडक्शन कहते हैं, राइट। इंडक्शन से क्या होता है, हम लोग जो चार्जेस यहां पे हुआ है रीअरेंजमेंट, राइट, जो भी यहां पे न्यूट्रल चार्ज था पेपर के अंदर एक एक्सटर्नल चार्ज की वजह से रीअरेंज हो गया चार्ज, हालांकि है ये नेट नेट न्यूट्रल अभी भी बट चार्जेस यहां पे रीअरेंज हो गए। ठीक है, तो अगर आप जो है रीअरेंजमेंट जो चार्ज होता है उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ओके, और उसके बाद चार्जिंग होती है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, राइट। इफ यू एक्सप्लॉइट द प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज देन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन, राइट। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट इंडक्शन पे आपके सिलेबस में ही है, ओके, और ये जो कंडक्शन है ना ये कंडक्शन आप जो है ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर आप पढ़ेंगे इसको सेमीकंडक्टर्स में। आप इसको अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ेंगे, फाइन। तो ये इसकी एक्सटेंसिव स्टडी जो है ऑलरेडी है तो हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम की खपत नहीं करेंगे इस चैप्टर में, ओके, तो हम इसमें जो है टाइम की बहुत ज्यादा खपत नहीं करेंगे इस चैप्टर में क्योंकि ऑलरेडी तीन तीन चैप्टर हैं भाई के लिए, राइट। तो हम जो है अब इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, दो एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में, हम लोग दोनों थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटेंशन आपका सिलेबस खत्म करना नहीं है, हमारा इंटेंशन है कि आप चीजों को डेप्थ में समझें यहाँ पे, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही विजुलाइजेशन वाला चैप्टर है, इसको आप आराम से एंजॉय करते हुए समझिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है इमीडिएटली हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपका डाउट जो है फटाफट क्लियर कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, हो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सकते हैं, अगर आप इसको डिटेल में समझ लेंगे तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ओके। लिखिए एक्सपेरिमेंट नंबर वन, इसमें हमने क्या किया है, एक मेटालिक बॉल लिया इस तरह से, इसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड में इस तरह से रखा हुआ है, ये स्टैंड इंसुलेटेड है और ये मेटल स्फीयर है, ओके, और यहां पे मैं एक
चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूं इस तरह से। अब अगर मैं चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा मेटल के पास तो क्या होगा, हमने डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे किसी सब्सटेंस के पास तो उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जो है रीअरेंज होने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए मेटल के अंदर घूमने के लिए, राइट। लेकिन मेटल से बाहर नहीं आ सकते वो, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए मेटल के बाहर आने के लिए, राइट। तो ये इसके इन्फ्लुएंस में इसके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज के पास ऐसे जमा हो जाएंगे, राइट। तो नेट नेट क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगा चार्ज का, भाई है तो यहां पे ये इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां पे, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन चार्ज यहां पे सेपरेट हो चुका है, राइट। अगर इस चार्ज सेपरेशन को किसी तरह यूज कर लिया जाए तो वो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाएगी, राइट। उस चीज को यूज करने के लिए मुझे यहां से या तो पॉजिटिव चार्ज निकालना होगा या नेगेटिव चार्ज निकालना होगा, राइट। अब एक तरीका आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या किया है कि एक और मेटालिक स्फीयर ले लिया है और इसके कॉन्टैक्ट में ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है। सिमिलर चीज ली गई है, अब अगर यहां पे कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा। अच्छा, पहली बात यहां पर ये कि हालांकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हो रही है, लेकिन हम जो है ऐसे ट्रीट करेंगे ऐसे पॉजिटिव चार्ज भी एक पार्टिकल है, तो आपको विजुलाइजेशन में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दोनों को एक एक पार्टिकल समझ लीजिए। आप ऐसे में ट्रीट करिए कि पॉजिटिव जो है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हालांकि वो सही है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव को भी एक पार्टिकल समझ के उसका मूवमेंट की तरीके से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में है, किस तरह से ये इसको रिपल कर रहा है बड़ी तेजी से। अगर वो रिपल कर रहा है तो उसको तो भागना है इससे जितना दूर भाग सके, तो उसको अब यहां से पाथ मिल गया, राइट। पहले वो भाग नहीं पा रहा था इससे दूर क्योंकि उसको मेटल के बाहर तो आ ही नहीं सकता, अब अगर लेकिन कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं यहां पे, यहां से गायब हो जाएंगे और यहां पे अपीयर कर जाएंगे एज फार एज पॉसिबल। आई वाज समझ में, तो इस तरह से मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर में ले लिया, पॉजिटिव चार्ज उस स्फीयर में ले लिया। अब अगर आप सिर्फ इस स्फीयर की बात करेंगे तो नेट नेट नेगेटिव चार्ज है, और इस स्फीयर की बात करेंगे तो नेट नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या मैंने नेट चार्ज क्रिएट कर दिया है? बिल्कुल नहीं, अभी भी क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है, ये दोनों मिला के आप देखेंगे तो वो न्यूट्रल है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटा देता हूं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट कर दूं, ऐसे दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, इस तरह से मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा और पॉजिटिव चार्ज भी वहीं रहेगा, राइट। अब सेपरेशन रहते रहते अगर मैंने क्या किया कि इसको हटा दिया तो क्या होगा, अगर इसको हटा दिया तो केवल एक ही इन्फ्लुएंस रह जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अगर ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव के एकदम करीब आ जाएगा इस तरह से, लेकिन ये एक दूसरे को टच करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते क्योंकि कोई पाथ नहीं है, ओके। अब क्या हुआ है कि ये दोनों चार्ज तो है नेट नेट, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर मैं इसको ले जाऊं इन्फिनिटी में, या तो मैं इसको गायब कर दूं या बहुत दूर ले जाऊं, तो क्या होगा, अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा इसमें, तो ये जो भी नेगेटिव चार्ज था अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट, ओके। चलिए अब हम
दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर टू में हमने सिर्फ एक ही मेटेलिक स्फीयर लिया है और उस पर नेट चार्ज डेवलप किया है। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर टू। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर लेके आऊं इस तरह से, तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अब अगर इसको यहां पर ऐसे की लगा के एक अर्थिंग है, यहां पे अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग मतलब होता है कि आपने ये वायर से एक बहुत ही बड़ा मेटालिक ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके रखा हुआ है जो कि इनफाइनाइट सोर्स है। कितना भी आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उसको दें या निकालें, वो जो है उतने का उसमें नेट नेट चार्ज जीरो रहेगा। तो इस तरह से एक एजम्पशन है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्विच को ऐसे क्लोज कर दूं तो इसको पाथ मिल गया, तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहां से होते हुए यहां चले जाएंगे, क्योंकि इसको तो यहां से बहुत दूर जाना है, राइट, जितना दूर जाया जा सके पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है गायब हो गया। लेकिन नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये स्विच ओपन कर दूंगा और इसको दूर ले जाऊंगा, इसको मैंने हटा दिया, तो अब जो है मेरे पास नेट नेट नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए जिसमें हमने चार्जिंग बाई इंडक्शन के बारे में बात किया।